मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसीलिए आज के परेड में सबसे ज्यादा जो सहभागिता है वो महिलाओं की नजर आएगी। महिला कलाकारों की बात की जाए या फिर महिला सेनानियों की बात की जाए, महिला सैनिकों की बात की जाए, कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति महामहिम की ये शाही बग्गी आगे बढ़ते हुए, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो सलामी लेंगी, और उनके साथ इस शाही बग्गी में सवार है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। खास मेहमान है आज हमारे कार्यक्रम के, आज वो भी भारत के सैनिकों का, भारत के जो जवान है उनका शौर्य देखेंगे, उनका पराक्रम देखेंगे, और साथ ही झलकियां देखेंगे भारत की संस्कृति की। हालांकि कल भी जब जयपुर पहुंचे थे तब भी वहां पर भी उन्होंने जो राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति है उसे निहारा, सभी जो पर्यटन स्थल है वहां पर गए, आनंद लिया उन्होंने, और अब देश की संस्कृति को निहारेंगे, देखेंगे और समझेंगे। दोनों ही दिग्गज जो है वो पहुंच चुके हैं यहां पर, और आज की परेड पर सभी की नजर इसलिए क्योंकि इस साल जो परेड की शुरुआत है वो मिलिट्री बैंड के साथ नहीं होकर शंख और नगाड़ों से होने वाली है। तो साफ तौर पर ये पूरी दुनिया को झलक दिखलाएगी कि भारतीय संस्कृति जो है वो अब फिर से अपना रूप जो है वो पूरी तरीके से लेती हुई और उसी रूप में पूरी दुनिया में विख्यात होगी। ये देखिए प्रधानमंत्री ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया, और फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को गले लगाकर मित्रता का परिचय दिया है। दोनों ही देशों के बीच में सालों से जो गहरी दोस्ती है वो रही है, और ऐसे में आज आपको बता दें कि सेनाओं के बीच में, दोनों ही देशों के बीच में कई ऐसे जो है समझौते होने जा रहे हैं जिसको लेकर भी चर्चा होगी, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये दौरा, एक एक करके तीनों ही सेना के अध्यक्षों के साथ मिल रहे हैं दोनों ही राष्ट्रपति, तीनों ही सेना के प्रमुख जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री उनकी अगवानी कर रहे हैं, साथ में मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बेहद भव्य ये तस्वीरें जो है, खास तस्वीरें सामने आ रही है मंच की ओर आगे बढ़ते हुए। सबसे आगे आपको तस्वीरों में महामहिम राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू, और उनके पीछे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के साथ में चल रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तीनों ही ये दिग्गज अब मंच पर पहुंच चुके हैं, यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो परेड की सलामी लेंगी। Let's
President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments, the dhol and tasha of Maharashtra, the dappu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shankh, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to rag revati of Carnatic music. Ab kartavya path par manzar badalne wala hai. और हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राहुल, देखिए आज तक के इतिहास में ये पहली बार तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है महिला कलाकार और शंखनाद के साथ आज के परेड की शुरुआत हुई है। कहा जाए कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और यही कारण है कि इस बार जो पूरे महिलाओं के ऊपर ज्यादा तक फोकस करके और ये परेड भी निकाली जा रही है और इसमें तमाम चाहे आर्मी से हो या चाहे पुलिस के हो, सभी में महिलाएं वहां पर लीड कर रही हैं। तो एक तरीके से कहा जाए महिला सशक्तिकरण, मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी तरीके से इसमें फोकस किया गया है। उसके अलावा कई चीजें रहेंगी जिसमें कि तेजस से लेकर के और तमाम जो